पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ रहा है यहाँ के युवाओं को ड्रग्स में इन्वॉल्व करने के लिए। वो इसलिए हिल गया है कि 370 के बाद आपने देखा कितनी डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि आज पहली बार कश्मीरी खुश है। ये जो स्टेट हमारी थी यहाँ करप्शन ज्यादा थी, एक फौजी हमारी थी, हमारे जो फौज थी वही एक थी जिसमें करप्शन नहीं था, जो देश के लिए लड़ रही कि दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर दे देंगे, वो तो मुझे लगता है आप कहने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल साबित हो चुका है कि जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, इस देश की जो मिट्टी है वो हमारी मिट्टी है और इसलिए हमें गद्दार नहीं कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम कोई पाकिस्तान या तालिबान वाले नहीं है। जो है 370 के बाद जितनी मजबूती हमारी जो कश्मीर की हुई है, तो मुझे लगता है माननीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी जो, अगर हमने अपना पानी बंद कर दिया ना तो पूरा पाकिस्तान मर जाएगा वहां पे प्यास की वजह से। खुल्लम खुला इस चीज में हाथ है कि पाकिस्तान जो है यहाँ के युवाओं को ड्रग्स के माध्यम से अब तबाह करना चाहता है। और अब यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं उनके पास कोई काम तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कश्मीर को हमेशा जो है कश्मीर के नाम को इस्तेमाल किया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जनाब आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, आप अपने जो यूट्यूब की चलने हैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल ना करें, कश्मीर तो कुछ है। आप देखिए 7 से ज्यादा हमारी जो नई यूनिवर्सिटीज यहाँ बनी, यहाँ 50,000 लोगों को जो है एलपीजी गैस के कनेक्शंस मिले हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है कई 60,000 लोगों के घर बने हैं। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का युवा हूँ, हमने मुसीबतें देखी है, हमने परेशानियाँ देखी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं कश्मीर आया हुआ था, तो पाकिस्तानी आपको पता पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और ख़ास तौर से कश्मीर के नाम को लेकर। तो मैं कश्मीर के अंदर हूँ, तो मेरे को यहाँ कश्मीर में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, इनका नाम है सईद एजाज। ठीक है जी। कश्मीर के विकास में इनका क्या सहयोग है और धारा 370 हटने से पहले और धारा 370 हटने के बाद में क्या परिस्थितियाँ है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए, आपका नाम। मेरा नाम सईद एजाज काशानी है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारे कश्मीर आए और आपने हकीकत को चाहा कि आप जो है पूरे विश्व तक, भारत तक आप पहुँचाएं, हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हमारे हैं, जो बाकी हमारे भारतीय हैं उन तक पहुँचाएं, अच्छी बात है। बिल्कुल, काफ़ी आपने अच्छा काम किया है, आप कर रहे हैं। तो हम भी कई अरसे से काम कर रहे हैं ताकि देश के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएं, हमारा भी कुछ एक योगदान हो, हमारा भी कुछ कंट्री के लिए हम भी कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसे नहीं चले। तो आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए हम सामाजिक काम करते हैं, जैसे समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां भी हैं। बिल्कुल, बुराइयां हर तरफ होती है, बुराइयां तो हर एक जगह पे होती है, जैसे समाज में बुराइयां हैं, जैसे हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो भी एक बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूँ उस पर जो है रोकथाम लगना चाहिए, उस पर हमने काफ़ी काम किया, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, उन्होंने इस पर साथ दिखाया और कई, मुझे लगता है आज कई हद तक जो है जो हमारी युवा हमारे जो हैं, हमारी जो युवा नस्लें हैं वो बिल्कुल जो है अब उससे थोड़ी बहुत दूर हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कई इसमें ताकतें हैं, जैसे हमारे कुछ हमसाया मुल्क जैसे उनका भी मुझे लगता है इसमें कुछ हाथ है, इसलिए हमारे जो कश्मीरी है वो ड्रग्स में जा रहे हैं। पहले तो अब मैं आपकी मीडिया की चैनल से, आपकी इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँ कि पाकिस्तान का खुल्लम खुला इस चीज़ में हाथ है कि पाकिस्तान जो है यहाँ के युवाओं को ड्रग्स के माध्यम से अब तबाह करना चाहता है। पहले बंदूक के नाम से किया, अब बंदूक के नाम से यहाँ के युवाओं का जो है सत्यानाश कर दिया, अब ड्रग्स के मामले में जो है पाकिस्तान ऐसा रोल अदा कर रहा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो है पाकिस्तान जो है उस पर बौखलाहट आ गई है, ऐसा होता है बंदे के साथ, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं तो बौखलाहट तो आ ही जाती है, पूरे मुझे लगता है पाकिस्तान को बौखलाहट आ चुकी है। तो इसीलिए ऐसा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से डरते हैं, हमारे जो माननीय गृह मंत्री है उनसे डरते हैं, तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बौखलाहट तो उन्हें ये आई है कि आप देखिए उनका मानसिक जो संतुलन है बिल्कुल पाकिस्तान का हिल गया है, वो इसलिए हिल गया है कि 370 के बाद आपने देखा कितनी डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि आज पहली बार कश्मीरी खुश है। मैं तो खुद कश्मीरी हूँ, मैं थोड़ी मीडिया पे ऐसे हवा में आके बोल रहा हूँ कि जो पता नहीं कश्मीरी होते भी नहीं है वो भी कहते हैं कश्मीरी है, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का युवा हूँ, हमने मुसीबतें देखी है, हमने परेशानियाँ देखी है, लेकिन इतनी बात सही है कि जो पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है, वो गूंगे हो चुके हैं यहाँ की, जो 370 के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ कितने डेवलपमेंट हुए। आप देखिए 7 से ज़्यादा
हमारी जो नई यूनिवर्सिटीज यहाँ बनी, यहाँ 50,000 लोगों को जो है एलपीजी गैस के कनेक्शंस मिले हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है कई 60,000 लोगों के घर बने हैं, तो यहाँ तो कई डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तो आप देखिए 25 हमारे जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जिनकी जो है 12,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ तो कई इंडस्ट्रियाँ बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय हमारे गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, तो वो पाकिस्तान तो बिल्कुल बौखलाहट हो गया, उनके बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान से हम ये जो है नसीहत करना चाहते हैं कि आप अपने कब्रिस्तान का अमन वहीं पर रख लीजिए, अपने उधर पाकिस्तान में ही रख लीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके कब्रिस्तान का अमन, हमें थोड़ी आप वैसा अमन देना चाहते। हम अपने खुश हैं, अपने इस मुल्क में खुश हैं, हम अपने जो है भारत के साथ खुश हैं, हकीकत है। आज तो हर कोई कश्मीरी ये कहता है। आज कौन सा कश्मीर में मुझे बताइए कहाँ जगह, मैं कोई कश्मीर के किसी पहाड़ी इलाके से नहीं हूँ, मैं कश्मीर के उस सेंसिटिव एरिया से हूँ जहाँ हमने मुसीबतें देखी है। मुझे आप बताइए आज कहाँ पथराव होते हैं, कहाँ कोई मरता है, 300 साल के बाद कहाँ कोई मरा, कहाँ कोई किसी की डेथ हुई, कहीं सुनने में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन इसके अंदर एक सवाल मैं आपसे और जोड़ देना चाहता हूँ, खासतौर से पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो पूरी मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के बीच में एक आम जन भावना यह है कि कश्मीर के अंदर जुल्म करती है भारत सरकार, कश्मीरियों को बंद किया हुआ है। वो तो मुझे आप वो उनका अपना देख लीजिए, जो उन्होंने खुद वहां पे जो बड़े दावे कर रहे हैं, वहां आए दिन मुझे तो लगता है वहां बड़े मुश्किल से मतलब दाल, एक वक्त आएगा दाल मुझे लगता है 150-200 रुपए किलो हो जाएगा। सर 1000 रुपए किलो बिक रही है दाल। वही मैं कह रहा हूँ, वहां तो आप देखिए वो वहां पाकिस्तान में ये कहा जाएगा कि कहीं ऐसा हुआ करता था कि पहले चावल हुआ करते थे, पहले कई हमारे पुराने जमाने में ये जो है क्या कहते हैं आलू हुआ करते थे। वो पहले अपना देख ले, वो बेचारे परेशान है। वो अब यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं उनके पास कोई काम तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कश्मीर को हमेशा जो है कश्मीर के नाम को इस्तेमाल किया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जनाब आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, आप अपने जो यूट्यूब की चलने हैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल ना करें। कश्मीर तो कुछ है, कश्मीर तो यहाँ बागी बात है। के बारे में नेगेटिव बातें ज्यादा फैला, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है, पहले से पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान पहले ही नाम से यहाँ जो है एक एजेंडा चला रहा है। तो मुझे लगता है वो चीजें खत्म हो चुकी है। अब यूट्यूबर्स के पास वहां करने को कुछ जाना है, अरे अपने गवर्नमेंट का देख लीजिए, अपना तो उनका मानसिक संतुलन हो गया, हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है। शाम को कौन सी हुकूमत होती है, सुबह क्या होती है, वहाँ किसका क्या खिसक जाता है, तो उनका पता ही नहीं चलता है। वो वहाँ देख ले, वहाँ पे वीडियो बनाए, वहाँ की डेवलपमेंट देख लीजिए। अगर हमने अपना पानी बंद कर दिया ना, तो पूरा पाकिस्तान मर जाएगा वहाँ पे प्यास की वजह से। तो ये तो हकीकत है, हम हकीकत कहते हैं, ये हम डंके की चोट पे हर कई जगह कहेंगे कि आज कश्मीर जो है अमन यहाँ पे हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ जो है चाहे गवर्नमेंट, हम कोई किसी के सपोर्टर नहीं है, हम किसी गवर्नमेंट के सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम हकीकत के सपोर्टर ये हैं कि आज कश्मीर में अमन है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जो हमें जो है विश्व के साथ हमें आगे लड़ना है, आगे हमें जो है हमारी इकोनॉमी के हवाले से हमें कहीं जगह आगे पहुंचना है। और मुझे लगता है भारत के साथ जो है 370 के बाद जितनी मजबूती हमारी जो कश्मीर की हुई है, तो मुझे लगता है माननीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो ठोस उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं 370 के बाद उन्होंने, बाकी यहाँ डेवलपमेंटल रिलेटेड अब पाकिस्तान का तो नैरेटिव है, उनको बात करनी है, उनके पास कहने को अच्छा कुछ है नहीं। जी सर, अच्छा सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप ड्रग्स को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं अपने युवाओं के अंदर, ताकि उनके खून के अंदर जहर ना घुले और उनकी ज़िंदगी बचे, उनका परिवार बचे, तो अपना तो थोड़ा काम करने का तरीका है, या फिर आप अभी तक क्या अचीव कर चुके हैं? देखिए हमने कई हमने नौजवानों तक अवेयरनेस पहुंचाई, कई तक नौजवानों तक, क्योंकि देखिए उसकी भी हम मैंने पहले ही कहा ना, कुछ लोगों की कुछ चीज़ों की डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट होती पाकिस्तान है पाकिस्तान के साथ। वो ये है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ रहा है यहाँ के युवाओं को ड्रग्स में इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे युवा हमारे बेरोजगार थे, उनके हाथों में पत्थर पाकिस्तान ने दिए, उन्हें भारत के खिलाफ लड़ाया पाकिस्तान ने, तो वो भटक गए थे। अब वो रास्ते पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हर कई जगह रेडिकल कुछ लोग होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे पहले जो है कानून सबसे बड़ा है और हम हर किसी मजहब की यहाँ जो है आप कश्मीर में देख सकते हैं, कश्मीर एक गुलदस्ता है, यहाँ हमारे हिंदू भाई हैं,
मुस्लिम है, हमारी सिख है, आपने देखा होगा हर कई जगह। और यहाँ का जो कश्मीर का जो नेचर है, कश्मीरी का नेचर है, बड़े बड़े प्यारे नेचर के हैं कश्मीरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि, ये तो गलत बात है क्योंकि कश्मीरियों को कई लोगों ने जो है बदनाम कर दिया है, बल्कि हम तो कहते हैं इस देश की जो मिट्टी में हमारी खुशबू है, इस देश की जो मिट्टी है वो हमारी मिट्टी है जी, जी। और इसलिए हमें गद्दार नहीं कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम कोई पाकिस्तान या तालिबान वाले नहीं हैं, तो ये हम पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, हमें अपने भारत के हमारे अपने मित्रों से कहना चाहते हैं, हम कोई तालिबान वाले नहीं हैं, कोई पाकिस्तान वाले नहीं हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं। ये हम सबकी जगह डंके की चोट पे हम कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का भी मामला कम हो जाए। अब तो पाकिस्तान नौजवानों को जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रहा है, आखिर आते कहाँ से ये ड्रग्स? बात तो सही है, पाकिस्तानियों सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अपनी इकोनॉमिक पे ध्यान दे लो, अपनी आवाम पे ध्यान दे लो, क्यों हमारे देश के युवाओं को तुम ड्रग्स की तरफ धकेल रहे हो? तो आप लोगों के लिए जितना जल्दी आप लोग समझोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। कश्मीर तो आपका ना कल था ना आज है, शायद वो जो पीओ के बचा हुआ है वो भी आपके हाथ से ना फिसल जाए, क्योंकि कश्मीर के युवा को देख रहे हो आप, ये जोश से भरे हुए हैं, और किसी दिन पीओ को तो छोड़ो, ये लाहौर तक पहुँच जाएंगे भाई, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। इनसे तो हमने यही कहा है कि पुरानी बातें हैं जो बिल्कुल साबित हो गई है कि दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर दे देंगे, वो तो मुझे लगता है आप कहने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल साबित हो चुका है कि जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। असल में कुछ नहीं है, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है, जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे डरता है, काफी डरता है, वही मामला। मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि अपने काम के साथ। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में था कि जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर जैसे पहले जो जिस तादाद में फौज थी, अब उस तादाद में काफी हटा ली गई है, तो क्या ये बात सही? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, फौज तो हमारी अच्छा अहम रोल अदा कर रही है, ये जो स्टेट हमारी थी यहाँ करप्शन ज्यादा थी, एक फौज ही हमारी थी, हमारे जो फौज थी वही एक थी जिसमें करप्शन नहीं था, जो देश के लिए लड़ रही थी। तो मुझे आप बताइए, जब हमारा युवा हमारे जो जवान पर पत्थर मारेगा तो हमारा जवान वहां से फूल फेंकेगा? नहीं, नहीं, उसको भी जवाब देना है जी। तो लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा जी। अब इसलिए हमारे जो जवान है, हमारी जो जी, आर्मी से हमारे भाई हैं, उनको पीछे हटा दिया गया। थोड़ा बहुत वो पीछे पीछे हट गए, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स पे उनके वो दिन रात सोते नहीं है, उनको तब जाके हम आराम से यहाँ सोते हैं। वो बॉर्डर्स एरिया पे है, जो मेन जगहों पे अब जरूरत उनकी थी नहीं, क्योंकि अब यहाँ हालात तो अमन में है, सब कुछ ठीक में है, तो इसीलिए अब सब कुछ ठीक में है, उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, उनको थोड़ा साइड कर दिया, ऊपर ऊपर थोड़ा चढ़ा लिया। और ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी करीब 2 साल पहले आया था, तो यहाँ पे मैंने बहुत मतलब कदम कदम पे आर्मी देखी थी उस वक्त, तो तब मैंने इनको भी बोला कि बहुत आर्मी थी, लेकिन इस बार मेरे को इतनी आर्मी देखने को मिल नहीं रही है, सिर्फ स्पेशल कुछ जगहों पर मिल रही है बस। तो ये बात में दम है कि यहाँ से बॉर्डर में बॉर्डर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तानियों की काली करतूतों को रोका जाए। और सर, आप लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको पूरे हिंदुस्तान नहीं, आपको पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, आप ये समझ लें। मैं आपके सभी जो व्यूवर्स हैं जी, मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, खैर पाकिस्तानियों से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपना काम करें। आप हिंदुस्तानी के लिए मैसेज, अपने जो हमारे जो अपने मुल्क के लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर में यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको अच्छे अच्छे सेब मिलेंगे, सेब के बगीचे मिलेंगे, यहाँ आपको जो है बर्फ की चादरें जैसे पहाड़ मिलेंगे, तो यहाँ खूबसूरत हमारे मुगल गार्डन्स है, यहाँ हमारा वर्ल्ड का फेमस डल लेक है, तो यहाँ शंकराचार्य मंदिर, शंकराचार्य हमारा बड़ा मंदिर है, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको आने की जरूरत है, ताकि हमारा जो यहाँ पे टूरिज्म है वो भी बूस्ट हो जाए जी। पाकिस्तान ने तो टेररिज्म को यहाँ बूस्ट कर दिया है। हम अपने भारत के जो जितने भी हमारे मित्र हैं उनसे कहते हैं कि आप यहाँ आइए, हमारी कश्मीर में देखिए कितनी खूबसूरती है, उसका मजा ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है कश्मीर की पॉजिटिविटी जो है उसको फैलाइए, उसकी फैलाने की जरूरत है, उस पर अच्छे पॉजिटिव चीजों को सोसाइटी में लाने, क्योंकि मानिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अच्छा काम पॉजिटिव काम ही तो किया है, इसीलिए तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव फैलाएं सब जगह। तो सुन लिया आपने, और आपको इनके विचार कैसे लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर इनके बारे में जरूर से अपनी राय रखना। और इनकी एक रिक्वेस्ट है, मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर की पॉजिटिविटी को, कश्मीर की रियल वॉइस को शेयर कर दीजिए, आप जहाँ भी कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।